नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मक्खी मार बहादुर का नसीब। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक युवक रहता था। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। सारा दिन निठल्ला बैठकर मक्खियां मारना ही उसका काम था, इसलिए लोग उसे मक्खी मार बहादुर कहकर बुलाते थे। उसका एक ही कहना था कि राम दे खाने को, बला जाए कमाने को। मगर कहते हैं कि बैठे बैठे तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। जब बाप दादाओं की दौलत खत्म हो गई तो मक्खी मार बहादुर को चिंता ने आ घेरा। मजबूरी सामने खड़ी दिखाई दी तो झोला उठाकर चल दिया काम धंधे की तलाश में। मक्खी मार बहादुर एक नंबर का फेंकू था। इतनी लंबी लंबी गप्पे फेंकता कि लपेटनी मुश्किल होती थी। चलते चलते वह एक राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा के समक्ष हाजिर हुआ और सिर नवाकर बोला, महाराज मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने ऊपर से नीचे तक उसका मुआयना किया और पूछा, क्या काम जानते हो? काम? मक्खी मार ने फिर लंबी हाकी, जो कोई न कर सके सो बंदा करे। राजा ने अपने दरबारियों की ओर देखा, फिर महामंत्री से पूछा, क्यों मंत्री जी, आपकी क्या राय है? आदमी तो काम का मालूम होता है, शक्ल से तो किसी के गुणों का पता नहीं चलता महाराज, फिर भी अजमाने में क्या बुराई है। राजा ने भी सोचा कि जब यह कह रहा है तो हो सकता है आदमी काम का हो। यही सोचकर राजा बोला, ठीक है, हम तुम्हें एक किन्नी रोज पर रख लेते हैं। मक्खी मार खुश हो गया। पलक झपकते ही रोटी की समस्या हल हो गई। अब तो वह दिन रात चैन की बंसी बजाता। राज दरबार के क्योंकि विशेष कर्मचारियों में उसकी गिनती हो चुकी थी, इसलिए रोज देसी घी के मालपुओं पर हाथ साफ होते। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। काम धाम तो उसे कुछ था नहीं। अब तो उस पर मोटापा चढ़ने लगा। इधर गिन्नी रोज के हिसाब से धन भी काफी इकट्ठा होता जा रहा था। किंतु एक दिन उसकी गर्दन भी आ गई छुरी के नीचे। एक बार शत्रु राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। वह शत्रु राजा बहुत ही शक्तिशाली था और उसकी फौज भी बहुत बड़ी थी। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत चिंतित हुआ कि अब क्या होगा, कैसे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला उसकी छोटी सी फौज कर पाएगी। उसने तुरंत मंत्रियों व दरबारियों की आपातकालीन सभा बुलाई और अपनी चिंता जाहिर की। सब मंत्रियों ने आपस में मंत्रणा करके कहा, महाराज इस मौके पर मक्खी मार बहादुर से सहायता लें। आखिर वह किस मज की दवा है, जो काम कोई ना कर सके वह करेगा, यही कहा था ना उसने? अरे हाँ, एकाएक ही राजा की जैसे सारी चिंता दूर हो गई। अच्छा याद दिलाया, फौरन मक्खी मार बहादुर को हाजिर किया जाए। राजा के कहने भर की देर थी कि मक्खी मार बहादुर को फौरन हाजिर किया गया। राजा ने उसे देखते ही हुक्म दिया, मक्खी मार बहादुर, शत्रु राज्य की सेना ने देश पर हमला कर दिया है, इस संकट से आप फौरन देश को बचाएं। यह सुनते ही मक्खी मार का दिल धड़क उठा, आत्मा कांपी, लगा कि अंत समय निकट आ गया है। मगर उसने किसी भी दरबारी या राजा पर अपनी कमजोरी जाहिर न होने दी और लगा हवा में फेंकने, मसलकर रख दूंगा पूरी सेना को महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। कल सुबह आप देखिएगा कि मैं कैसे शत्रुओं के कलेजे चाक करता हूँ। मक्खी मार बहादुर का आश्वासन पाकर राजा की जान में जान आई। मक्खी मार बहादुर
वापस आ गया। राजा के सामने तो उसने बिना नापे छोड़ दी, मगर अब उसे पसीने आ रहे थे। उसे लगा कि अब यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटकर भागने का समय आ गया है। बहुत ऐश कर ली, यह ख्याल मन में आते ही उसने खाने के लिए 3 रोटियां बनाई और बोरिया बिस्तर उठाकर रात के अंधेरे में ही चंपत हो लिया। सुबह होते ही राजा ने उसे तलब किया ताकि दुश्मन से निपटने के लिए उसकी योजना जानी जाए, मगर पहरेदारों ने आकर बताया कि उसके कच्छ में तो ताला लगा है और मक्खी मार का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। राजा बहुत परेशान हुआ, उसकी खोज में हर कार्य भेजे, मगर मक्खी मार बहादुर साहब वहां होते तो मिलते। राजा की परेशानी क्रोध बनकर फूट पड़ी। उन्होंने हुक्म दिया कि मक्खी मार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। यह आदेश भी दिया कि जो मक्खी मार को पकड़कर राज दरबार में पेश करेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। फिर विवश होकर राजा ने अपनी सेना को मोर्चों पर भेज दिया। उधर मक्खी मार बहादुर साहेब चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। सवेरा हो गया था, चारों ओर धूप खिली हुई थी। मक्खी मार जी को भूख भी सताने लगी थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो उनकी नजर एक कुएं पर पड़ी। मक्खी मार जी ने सोचा कि क्यों ना यहीं बैठकर भोजन किया जाए। उन्होंने कुएं की मेड़ साफ की और रोटियों की पोटली खोलकर बैठ गए। सोचने लगे कि रोटियां तो 3 हैं, अभी न जाने कहां तक का सफर करना पड़े। यही सोचकर वह जोर जोर से कहने लगे, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 3ों ही खा जाऊं। वह बार बार यह कहे जा रहे थे और कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं की ध्वनि जंगल में दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जिस कुएं की मेड़ पर वह बैठे थे उसी कुएं में 3 परियां रहती थीं। उसकी बात सुनकर वे 3ों परियां बहुत डरी कि यह कौन आ गया है हमें खाने वाला। 3ों ने आपस में मंत्रणा की और कुएं से बाहर आकर मक्खी मार जी से बोली, हे मुसाफिर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें खाना चाहते हो। मक्खी मार पहले तो शक पकाए, मगर फिर तुरंत ही समझ गए कि क्या माजरा है। अगले ही पल वह अकड़ गए, नहीं नहीं, मैं अवश्य खाऊंगा। देखो मुसाफिर, यह उचित नहीं, आखिर क्यों खाना चाहते हो हमें। उचित अनुचित मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस खाऊंगा। अब तो परियां बहुत घबरा गईं और बोली, देखो मुसाफिर, अगर तुम हमें न खाने का वादा करो तो हम तुम्हें कुछ नायाब वस्तुएं दे सकती हैं। नायाब वस्तुएं? सुनते ही मक्खी मार जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने पूछा, कैसी नायाब वस्तुएं? यह लो, एक परी ने उन्हें 2 पर दिए और कहा, इन्हें सर में खोसकर तुम जहां चाहो वहां उड़कर जा सकते हो। दूसरी परी ने एक चादर दी और कहा, बड़ी करामाती चादर है, इसे ओढ़कर तुम सबको देख सकोगे मगर तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। तीसरी परी ने कहा, यह ऐसी जादुई तलवार है, इसे हाथ में लेते ही यह अपने आप चलने लगेगी और दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट फेंकेगी। अब तो मक्खी मार जी खुश हो गए। उन्होंने मूछों पर ताव देते हुए परियों से 3ों वस्तुएं ले लीं, फिर सिर पर खोसे तलवार हाथ में ली और चादर ओढ़कर बोले, मैं शत्रुओं के बीच जाना चाहता हूँ। मक्खी मार जी के कहने ही बस की देर थी
कि वे पहुंच गए जंग के मैदान में और मचा दी मार काट। पलक झपकते ही शत्रु पक्ष में हाहाकार मच गया। स्थिति यह थी कि मक्खी मार जी को तो कोई देख भी नहीं पा रहा था और वे सब देख रहे थे, उन पर कोई वार करे भी तो कैसे। शत्रुपक्ष की सेना ने समझा कि हो न हो इस राजा की मदद कोई भूत प्रेत या जिन आके कर रहा है। जैसे ही सेना में यह अफवाह फैली, शत्रुपक्ष के सारे सैनिक अपनी अपनी जान बचाकर भागे। देखते ही देखते जंग का मैदान दुश्मनों से खाली हो गया। राजा के गुप्तचरों ने तुरंत ही जाकर राजा को यह खबर सुनाई कि विजय हमारी हुई है और किसी दैवी ताकत ने हमारी ओर से युद्ध लड़ा है। राजा और दरबारी हैरान हो उठे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते कि मक्खी मार बहादुर साहेब तलवार घुमाते हुए राज दरबार में जा पहुंचे। राजा ने सिंहासन छोड़कर उसका स्वागत किया। सभी दरबारी उसके सम्मान में उठकर खड़े हो गए। लौटते समय उन्हें यह भी पता चल गया था कि महाराज ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली है। अतः बिगड़ते हुए बोले, महाराज यह क्या बात हुई कि आपने मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली, साथ ही मुझे भगोड़ा भी घोषित कर दिया, जबकि मैं नदी पर अपनी तलवार मांझने गया था। रात में खून पसीना एक करके तलवार तेज करता रहा और सुबह होते ही शत्रुओं पर टूट पड़ा। बुरा न मानना मक्खी मार जी, हमने समझा कि आप डरकर भाग गए हैं, चिचौरी सी करते हुए राजा बोला। आप सेना आदि कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर गए? अरे महाराज, मैं क्या कोई छोटा मोटा योद्धा हूँ जो अपने साथ सेना लेकर जाता? क्रोध न करें मक्खी मार जी, क्रोध न करें। हम आपकी संपत्ति से भी दुगनी संपत्ति आपको वापस लौटाएंगे और आज से दो गिन्नी रोज आपको राजकोष से मिला करेगी। और फिर राजा ने उसकी संपत्ति के साथ ही अपनी पुत्री की शादी उससे करने की घोषणा भी कर दी। निश्चित दिन में मक्खी मार बहादुर साहेब की शादी राजकुमारी से हो गई। अब तो मक्खी मार जी की पांचों उंगलियां घी में थीं, मगर अब उन्होंने निठल्ले बैठना छोड़ दिया और कामकाज में व्यस्त रहने लगे। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ते ही उनकी गप्पे हांकने की आदत भी दूर हो गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।